हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम दोबारा से आए हैं एक नए व्लॉग के साथ, और ये व्लॉग काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी डिसेंट इस वजह से होने वाला है क्योंकि आज हमारा जो छोटा सा फार्म है उसमें ना दो नए मेहमान आ चुके हैं, और वो मेहमान काफ़ी खूबसूरत ही हैं और साथ में काफ़ी बिजी हैं क्योंकि उनका नाम जो है वह है टर्की बर्ड्स। और हमारे फार्म में दो खूबसूरत टर्की बर्ड्स आई हैं, मतलब पेयर है, एक मेल और एक फीमेल है। लेकिन चलो अभी चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं अपने टर्की बर्ड्स। चलो आप हमारे साथ रहिएगा। तो अभी हम डोर खोलते हैं, हमारे केज पर जाए। वो रहे हमारी टर्की बर्ड्स, आप लोग देखते हैं दोनों जो हरूम है इनका, उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। अभी कोशिश करते हैं कि इनको हम ना बाहर निकलवाएं, तो आप लोगों को ना इनको नज़दीक से निकालते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से ये बाहर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि मैंने इतना शोर किया इसके पीछे के चलो बाहर निकलो, लेकिन ये निकलना ही नहीं चाहते। और साथ में जो हमारी गायनी है ना, उसका जो साउंड है उसको इग्नोर ही करेगा क्योंकि ये भी खतरनाक आवाज़ें दे रही हैं, पता नहीं कि क्या है, लेकिन सुबह से ये यही आवाज़ें दे रही हैं। ये देखें हमारी टर्की बर्ड्स। हेलो, बाहर निकलो यार, क्या कर रहे हो यार। इनके दिल में ना बिल्कुल खौफ है नहीं, मतलब वो जो कहते हैं ना कि इसके दिल में खौफ नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, तो इनका तो बिल्कुल वैसे ही हिसाब है। इनके लिए ना हमने इनका डाइट लेके आए हैं, अभी शायद ये अपना डाइट देख के ना बाहर आ जाए। और साथ में हमारे जो डक्कू हैं और साथ में गायनी और जो बाकी परिंदे हैं वो भी काफ़ी भूखे हैं, इनको भी इनका डाइट देते हैं साथ में। हेलो, तुम लोग भी आ जाओ यार। और जैसे ही हमारे जो फीमेल टर्की बर्ड जाना है उसने इनका डाइट देख लिया ना, तो ये फौरन ना नीचे उतर गई, आप लोग देखें। और मेल जो है वो भी इधर देखे, इनके करना में देखे। हमारा जो डक्कू है ना, ये अब काफ़ी ख़तरनाक बन चुका है, हर वक्त ये अटैक करता है इस बेचारे पर। हमारा मेल भी, टर्की बर्ड भी आ गया, ये देखे। अभी हम कोशिश थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि ये भी साथ में बाहर आ जाए। और हमारी फीमेल टर्की बर्ड तो बाहर आई हुई है, और आप लोग देखें कि हमारी जो फीमेल टर्की बर्ड है वो कितनी खूबसूरत है। ये देखें इनके जो एंग्री, काफ़ी एंग्री हो चुकी हैं अभी ये। तो फाइनली दोस्तों, हमारी जो पेयर है टर्की बर्ड्स का, वो आ चुका है बाहर, अभी ये अपना डाइट ले रहे हैं, ये देखें। और फीमेल जो है ना, वो बस आ जाती हैं बाहर और पैर अंदर चली जाती हैं, पता नहीं ये इनको इनमें से किसी से डर लगता है कि क्या बात है, लेकिन फौरन से वो अंदर चली जाती हैं। ये ना काफी फ्रेंडली है, ये जो गाय नहीं है पर हमेशा। ये देखे यार, क्या कर रहे हो तुम यार, सच में यार मुझे भी डरा दिया था इन्होंने। नो, यार तो आप लोगों ने जरूरी कमेंट करना है ना कि आप लोगों को हमारे जो दो नए गेस्ट हैं वो कैसे लगे। अभी इनमें मैंने एक हैबिट जो है ना वो नोटिस किया है, इनका जो ये इनके जो हेड है उसके ऊपर जो एक गोश्त का लोथड़ा टाइप का है ना, ये जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये भी, मतलब इसका जो लोथड़ा होता है वो भी रिलैक्स होता है, लेकिन अगर ये एंग्री होते हैं तो इनका जो लोथड़ा होता है ना वो, अब देखें इनके जो एंग्री पन का स्टाइल देखें। ओ, ये तो काफ़ी हेट भी करता है यार। लेकिन हमारी जो गायनी है ना वो जीत चुकी हैं, इनको ऐसा डरा दिया है ना कि ये देखें इनकी साइज़ देखें टर्की बर्ड्स की, और हमारी छोटी सी गायनी की साइज़ देखें। लेकिन वो बोलते हैं ना कि ये सब जिगर की बात है, वैसे ये जो गायनी है ना इसके पास जिगर है, ये जो जिगरा मस्त होना चाहिए तो फिर सब कुछ होता है, वही बात है। हमारी गायनी के पास जिगरा है और अपने आप से कई गुना बड़े जो टर्की बर्ड्स हैं इनको डरा दिया हुआ है। लेकिन ये जो मेल टर्की है ना, ये हमारे इस असील मुर्गे के ऊपर हमेशा अटैक करते हैं, पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी है, लेकिन यार। और इसके बाद कल ना इंशाल्लाह हम इनके लिए अपना एक सेपरेट रूम भी बनाएंगे, क्योंकि यार ये आपस में इनकी नहीं चलती। गायनी इन पर अटैक करती हैं टर्की बर्ड्स के ऊपर, और टर्की बर्ड जो है ये जो बाकी पाएंगे इनको, इनका जो जीना है ना इन टर्की बर्ड ने हराम कर रखा है, क्योंकि ये अभी इनका तकरीबन हमारे साथ एक दिन हो चुका है, लेकिन इस एक दिन में ना इन्होंने काफ़ी सॉरी खतरनाक वाली तबाही मचा रखी है। ये देखें, ओह हमारा असील मुर्गा जो है ना उसके फाइट स्टार्ट किया हुआ इन्होंने, वो असील वाला नहीं है वो दूसरा जो। और उसके साथ साथ आप लोगों ने ज़रूरी है कि कमेंट में हमें बताना, क्योंकि
टर्की बर्ड्स के बारे में हमारे साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि ये कौन से सीज़न में अंडे देते हैं और कितने अंडे देते हैं, और साथ में ये मतलब इनको जब हम इनके अंडों पर बिठाएंगे तो ये खुद अपने बच्चे निकलवाते हैं या हमने मुर्गी